हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन के चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क, यानी कि काम पर बच्चे। तो बिफोर यू रीड वाला पार्ट है कि बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। कुछ बच्चे काम करते हैं ताकि वो अपने मतलब घर को चला पाएँ उनके पैसों के लिए, और अदर कुछ है वो मतलब अपने घर से भाग जाते हैं, कुछ मतलब उदास होके कुछ रीजंस की वजह से वो अपने घर से भाग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और बाकी बच्चों की तरह उनकी उम्र में वो खेल नहीं पाते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क, कैसे बच्चे हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो वेलू है, ये एक 11 साल का बच्चा है जो कि अपने घर से भाग आया है, ठीक है। वो मतलब शहर में कुछ विलेज में घूमता है, फिर वो क्या करता है, एक ट्रेन लेता है चेन्नई की विदाउट अ टिकट, क्योंकि वो ऑब्वियसली घर से भाग के है तो उसके पास पैसे नहीं होते। आगे देखते हैं, वो टायर्ड होता है और वो भूखा भी होता है, तो वो मतलब उन्हें उसे नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। लेकिन जब तभी एक स्ट्रेंजर है वो एक स्टेशन पर आता है और एक बोलता है वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस है वो सेंट्रल चेन्नई पर थी, उसने मतलब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, ठीक है। फिर जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है वो चेन्नई तक गई और उसने वेलू को कुछ टाइम के बाद नीचे उतार दिया। जब वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसके पैर अभी भी हिल रहे थे, उसे लग रहा था कि अभी भी जो ट्रेन है वो चल रही है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जब हम काफ़ी समय तक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तब हमारे पैर हैं, जब हम नीचे आते हैं तब हमें लगता है कि अभी भी हमारे पैर हिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसने फिर एक पीछे से आवाज़ें, ओह हटो मेरे रास्ते से। फिर एक आदमी अपने सामान की ट्रॉली लेकर चला गया और जो वेलू है वो नीचे उतर गया, कूद गया। फिर क्या हुआ, वो बेंच प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया और वो क्या हो गया, उसने अपनी छोटी सी पोटली को नीचे रख दिया। फिर उसने 11 ईयर्स में अपनी 11 सालों में इतनी ज़्यादा लोग कहीं नहीं देखे थे। एक बार सिर्फ उसके गांव के मेले में उतनी भीड़ देखी थी उसने। फिर क्या हुआ था, पीपल जा रहे थे, फिर क्या हुआ था, उन अपने सूटकेस के साथ जा रहे थे। फिर क्या हुआ, जैसे प्लेटफॉर्म पे स्पीकर्स होते हैं ना वैसे ही एक लाउड आवाज़ है वो लाउड स्पीकर से आई और जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो भी अपने लगेज के साथ बेंच पर बैठे हुए थे, वो भी टीवी जो वहाँ पर रूफ पे लगा होता है ना उसको देख रहे थे। तो जो उसकी इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी आसपास वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, वेलू को डर लग रहा था उससे। फिर क्या हुआ, वेलू ने अपने जो हाथ को नीचे रख लिया और अपनी नीज पर बैठ गया, मतलब नीज पर होता है ना हम ऐसे हाथ करके ऐसे बैठ जाते हैं, लाइक ऐसे बैठ गया था वो। फिर देखो क्या हुआ, वो बहुत ही दुखी सा महसूस कर रहा था, वो डरा हुआ था, वो विलेज से 2 दिन पहले भाग आया था, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ उसने कुछ मूंगफली और कुछ गुड़ खाया था, जैगरी मीन्स गुड़ और पीनट्स यानी मूंगफली खाए थे। उसने अपनी पोटली में एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम्ब कैरी किया हुआ था। फिर क्या हुआ, वो ऑलमोस्ट कनौर से लेकर चेन्नई तक उसने ऑलमोस्ट 1 डे तक ट्रैवल किया है। वेलू के पास कोई टिकट नहीं थे पैसे खरीदने के लिए, लेकिन लकीली जो टिकट कलेक्टर है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट तक नहीं आया। उसने फ्लोर पर सोने की कोशिश की दरवाजे के पास, लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ मैन थे वो साइड में ही जो कार्ड्स प्ले कर रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और पूरी रात आवाज़ें कर रहे थे। फिर एक आवाज़ आई, ए क्या तुम टाउन में नए हो, ए न्यू टू टाउन, हाँ यानी कि यहाँ पर हिंदी में बताऊँ तो ए क्या तुम नए हो, एक रफ वॉइस ने बोला। फिर वेलू ने अपनी आंखें खोली और वहाँ पर बहुत सारे लोग आसपास खड़े थे, बट उसके पास कोई भी नहीं देख रहा था। फिर उसने कहा, हे एयर हेयर ए, अरे इधर
ए इधर। फिर क्या हुआ, वेलू ने मुड़ के देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि उसकी ही एज की थी, और वो एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी जो कि बनियान है वो उसके घुटनों तक आ रही थी। देखो इतनी लंबी उसने बनियान पहनी हुई थी, और उसके हेयर है वो बहुत ज़्यादा कड़क और ब्राउनिश कलर के थे, और उसने अपने शोल्डर पर एक बहुत बड़ा सा सैक यानी कि एक गट्टा गट्टा आप कह सकते हो रखा हुआ था। तो वो क्या कर रही थी, वो जो डर्टी प्लास्टिक कप्स थे ना फ्लोर से उन्हें भर रही थी, और उन्हें मतलब उठा उठा के अपने बोरे में भर रही थी। फिर उसने कहा, वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है, और ये जो लड़की है बनियान क्यों पहन रही है। फिर लड़की ने पूछा, ऐसे घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू ने कहा, वेलू, लुकिंग अवे, उसने मतलब साइड में देखना शुरू कर दिया। फिर लड़की ने कहा, सो मिस्टर वेलू, उसने उसकी पोटली की तरफ देखा, तो मिस्टर वेलू घर से भाग कर आए हो ना। फिर वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, जो वेलू है वो उस लड़की को बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया। वो घर से भाग आया था क्योंकि वो अपने जो उसके पापा हैं उसकी मार और नहीं सह सकते थे, उनके पापा उन्हें मारते थे, और वो मतलब उसके जो पापा हैं उसके जो फादर हैं वो उसकी सारी मनी है वो छीन लेते थे। जो भी वेलू और उसके जो सिस्टर्स हैं वो कमाती थी वो सारा छीन लेते थे और उसे ड्रिंक पर शराब पर खर्च कर देते थे। तो उसने कहा, लड़की ने कहा, सोचो मत, मुझे पता है ये जो जो जगह है ना ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है, तो तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, अमीर बनने आए हो। फिर क्या हुआ, वो जो लड़की है वो वेलू के पास में बैठ गई, वेलू है वो थोड़ा सा साइड हो लिया, खिसक गया। फिर वेलू है वो बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, उसने अपने पेट को ऐसे पिंच किया पकड़ा, और क्या किया, वो उसके पेट में से आवाज़ें आ रही थी। उस लड़की ने पूछा, भूख लगी है। तो उस लड़की ने कहा, तुम्हें ऐसे फूड ऐसे जो ऐसे चेहरे बना के ना तुम्हें ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे फूड नहीं खाना नहीं मिलने वाला, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। फिर उसने क्या किया, अपना बोरा उठाया और चली गई, चलने लग गई। फिर वो चली गई। फिर वेलू अपने बेंच पर बैठा रहा, उसने कहा, अब मैं क्या करूं, क्या मुझे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए, ये लड़की मुझे कहाँ लेकर जाएगी। वो जो भीड़ में वो गायब हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग बनाया क्विकली, और उसने डिसाइड किया कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो वो उसके पास जंप करके चला गया। ठीक है, और उस लड़की ने भी नहीं देखा था कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि उससे क्या करना है, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं उससे क्या करना, वो तो एक इंसानियत के नाते उसके मतलब हेल्प करना चाहती थी। ठीक है, तो यही था आपका पार्ट वन। तो आगे क्या होता है, वेलू जाएगा फिर उसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या होता है, ये सब हम इसके सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो इसके ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट्स बनेंगे बच्चों, क्योंकि हर ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम एक पार्ट को एक वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब इसका हम कॉम्प्रिहेंशन चेक पढ़ लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आपको इसके मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से नोटबुक में लिख कर आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही हिंदी में बता देती हूँ। तो वेलू है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि अभी भी वो मूविंग ट्रेन में ही है। तो क्या है, वो वेलू है वो हंगरी था, वो थक भी गया था, ही वॉज टायर्ड ऑल्सो, एंड आफ्टर ही वॉज स्टिल फीलिंग बिकॉज ही हैड ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो हीज लेग्स वर स्टिल वॉबली। ओके, देन वट मेड हिम फील मिसरेबल, बिकॉज ही वॉज अलोन टायर्ड एंड हंगरी। ओके, देन क्या हुआ, वेलू ने अब बिना टिकट के ट्रैवल कैसे किया, बिकॉज वाई क्यों किया, सॉरी, अब वेलू ने बिना टिकट के ट्रैवल क्यों किया, क्योंकि वो अपने घर से भागा है, तो बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम होम एंड ही हैड नॉट एनी मनी टू परचेज टिकट। ओके, देन हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। ओके, इतना ईजी है। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, बिकॉज ही वेलू कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर वुड ऑन अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, ऐसे लिख देना। देन तो जो वेलू ने क्यों डिसाइड किया कि मुझे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज द गर्ल प्रॉमिस्ड टू गेट फूड फॉर हिम एंड ही वॉज हंग्री, सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। ओके, इतने ही हैं आपके। तो सेकंड पार्ट हम आपका देखेंगे, तो इसका ना एकदम छोटी सी समरी देख लेते हैं। वेलू एक लड़का है 11 साल का जो घर से भाग के आ चुका है, क्योंकि उसके पापा है उसके जो फादर है वो उसे मारते थे, और वो जो भी पैसे कमाता था वो सब छीन लेता था और ड्रिंक पे स्पेंड कर देता था। तो वो क्या हुआ, जो
ट्रेन पकड़कर ट्रेन से चेन्नई आ गया। और फिर क्या हुआ, वो उसके पैर है वो अभी भी वॉबली थे क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी जो ट्रेन अभी भी चल रही है। फिर क्या हुआ था, वो बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी 11 साल में इतनी भीड़ नहीं देखी थी, सिर्फ गांव के एक बार मेले में उसने इतनी भीड़ देखी थी। फिर मतलब अनाउंसमेंट भी हो रही थी, वो इतनी मतलब भीड़ ने उसे कभी नहीं देखा था, तो उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। फिर क्या हुआ, वेलू अपने घुटनों में ऐसे बैठ गया था, देखो लाइक दिस बैठ गया था। फिर उसे डर लग रहा था, दो दिनों से घर से भागा हुआ था अपने गाँव से। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ कुछ मूंगफलियाँ और उसने कुछ गुड़ खाया था। और उसने एक बंडल कैरी किया था जिसमें उसने एक शर्ट, एक टावल और एक कॉम कैरी किया हुआ था। देन उसने ऑलमोस्ट एक दिन तक कन्नूर से चेन्नई तक की ट्रेन में ट्रैवल किया था। और उसके पास कोई मनी नहीं था टिकट परचेज करने के लिए, लेकिन जो लकीली जो टिकट कलेक्टर है वो रिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया था। फिर उसने दरवाजे के पास फ्लोर पर सोने की कोशिश की, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो पूरी रात आवाज़ें कर रहे थे और कार्ड्स प्ले कर रहे थे, इसलिए वो अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, एक वेलू बैठा हुआ था, तभी एक आवाज़ आई, ए क्या तुम अभी नए हो? फिर क्या हुआ, वेलू ने मतलब अपनी आंखें खोली और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन उसे मतलब नहीं दिख रहा था। फिर उस लड़की ने कहा, ए इधर। फिर क्या हुआ, लड़की ने मतलब उसकी एज की थी और वो एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके हेयर है वो बहुत ज़्यादा कड़क थे और ब्राउन कलर के थे, और उसने अपने एक शोल्डर पे एक बड़ा सा गट्टा रखा हुआ था। फिर वो क्या कर रही थी, डर्टी प्लास्टिक्स को इकट्ठा कर करके अपने बैग में भर रही थी। फिर क्या हुआ, उसने सोचा ये बनियान क्यों पहनी हुई है। फिर उसने लड़की ने कहा, मुझे घूरो मत, तुम्हारा नाम क्या है? फिर उसने कहा, वेलू। वेलू ने कहा, मेरा नाम वेलू है। तो उसने लड़की ने उसके बैग की तरफ देखा, झोले की तरफ, वो पोटली की तरफ। उसने कहा, घर से भाग कर आयो? वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मतलब नहीं, उसे नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को बताए फिर क्या हुआ था, क्योंकि उसके पापा मारते थे, इस मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्या हुआ, उस लड़की ने कहा, देखो सोचो मत, मुझे पता है तुम, ये जो शहर है ये तुम्हारे जैसे से भरा हुआ है, क्या तुम यहाँ पर अमीर बनने आए हो? फिर क्या हुआ, जो लड़की है उसके पास बैठ गई साइड में, लेकिन जो वेलू है थोड़ा सा खिसक गया और उसके जो बहुत ज़्यादा उसे भूख लगी हुई थी और उसके पेट में चूहे भी कूद रहे थे, तो लड़की ने पूछा, हंगरी, मैं तुम्हारे लिए फूड ला सकती हूँ? ऐसे तुम्हें बैठे बैठे ऐसे चेहरे बनाए, तुम्हें फूड नहीं मिलने वाला अगर तुम चाहती हो तो। फिर उसने क्या किया, अपना बोरा उठाया और वो चलने लग गई। फिर वेलू है वो बेंच पर सोच रहा था, क्या करूँ मैं, उसे मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएगी, वो भीड़ में गायब हो रही थी। उसने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, तो वो उस लड़की के पास चला गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हुआ। तो आज की पार्ट में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।